ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, इस बार करवा चौथ बेहद ही शुभ संयोग में मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन सिद्धि योग बना हुआ है और इसके अलावा करवा चौथ के दिन रोहिणी नक्षत्र कृतिका नक्षत्र बना हुआ है, राज योग बनने जा रहा है, जिसके कारण नौ भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे। साथ ही गुरुवार का दिन होना बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है आध्यात्मिक कार्यों के लिए और देवगुरु बृहस्पति संतान के पुत्र के कारक कहलाते हैं। गृहस्थी से संबंधित जितने भी हमारे सुख होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति के कारण ही प्राप्त होते हैं। इस दिन अगर आप गणेश जी के आगे एक उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, करवा चौथ पर देखिए अद्भुत संयोग है, स्वाति नक्षत्र है। इस दिन सूर्यदेव को जल अवश्य ही दें। सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में आप लाल पुष्प, लाल रोली तो अवश्य ही डालें, थोड़ा सा मीठा भी अवश्य डालें और आपको देखिए गाय का घी का दो तीन ड्रॉप यानी दो तीन बूंद अवश्य डालनी चाहिए और साथ ही एक चम्मच आपको कच्चा दूध डालकर सूर्यदेव को देखिए, जब सूर्यदेव की लालिमा दिखाई देती है यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको सूर्य देवता को अर्ध अवश्य ही देना है और इस मंत्र का आप 5 या 7 बार अवश्य ही उच्चारण करें। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का 5 या 7 बार उच्चारण करें और जल की धारा से आप भगवान सूर्यदेव को देखें, उनसे प्रार्थना करें, जो भी आपकी इच्छा है संतान की, पुत्र की, उसके लिए प्रार्थना करें और अपनी ही जगह पर 1 या 4 परिक्रमा अवश्य लगाएं। साथ ही दोस्तों देखिए, करवा चौथ की पूजा के समय माँ गौरी की पूजा से पहले गणेश जी का आवाहन, उनका पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह गणेश चौथ है। दोस्तों, गणेश जी को देखिए लाल रोली अवश्य ही अर्पित करें, अक्षत लगाएं, हो सके तो हरी दुर्वा की 5 अंकुर या 11 अंकुर अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। साथ ही इस दिन देखिए आपको गुड़ का और गाय के घी का भोग अवश्य ही लगाना है। साथ ही आपको देखिए एक बेसन का लड्डू या बूंदी का लड्डू आपके पास है तो वो अवश्य ही गणेश जी को आपको भोग लगाना है। गणेश जी के आगे आटे का 4 मुखा दीपक जलाएं और इस मंत्र का आपको 11 या 21 बार उच्चारण अवश्य ही करना है। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, क्योंकि इस दिन देखिए माँ गौरी की पूजा की जाती है और गणेश जी माँ गौरी के प्रिय पुत्र हैं और गणेश जी प्रथम पूज्य होने के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। तो इस दिन अगर आप गणेश जी को ये चीज़ें अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही माँ गौरी का जब पूजन करें तो उनसे भी अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना तो अवश्य करें, साथ ही सुख सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए अवश्य ही उनसे प्रार्थना करें। माँ गौरी से प्रार्थना करें कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार गणेश जी आपके प्रिय पुत्र हैं इसी प्रकार हमें भी संतान सुख प्रदान करें, या पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद देखिए आपने जो घी का और गुड़ का गणेश जी को भोग लगाया है उसे आप किसी से भी, आप घर के किसी भी परिवार के सदस्य से उसको आटे की लोई में डालकर और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर आप गौ माता को खिला दें, देखना शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। साथ ही देखिए जो गणेश जी को आपको लड्डू का भोग लगाया है उसको आपको पक्षियों के लिए डाल देना है या फिर आप किसी बालक को दे दें। अगर आपके पास जैसे आपके आसपास कहीं पर भी पक्षी आते हैं तो या दूसरे दिन डाल दें या फिर आप किसी बच्चे को खाने के लिए दे दें, देखना जो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, करवा चौथ पर बहुत ही अद्भुत संयोग बना हुआ है, इस दिन गणेश जी का पूजन अवश्य करें, माँ गौरी का पूजन करें और उनसे प्रार्थना अवश्य करें तो देखना आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। आते दोस्तों देखिए, करवा चौथ पर बहुत ही अद्भुत संयोग बना हुआ है, 9 भाग्यशाली राशियों को संतान प्राप्ति के और 90% पुत्र प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं, उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। इसमें जो भाग्यशाली राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, मकर और कुंभ, ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, इस दिन ये उपाय अवश्य ही करें, निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी, गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी, माता गौरी की कृपा प्राप्त होगी और सूर्यदेव की भी कृपा प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को